काले लंबे घने बाल किसे नहीं चाहिए होते, हर किसी को चाहिए होते। और हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी हर किसी को होती है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है, हेयर ब्रेकेज की प्रॉब्लम होती है, स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम होती है, मतलब तमाम तरह की प्रॉब्लम होती है। तो हम क्या करते हैं, बदल बदल के महंगे से महंगा शैम्पू हो, सीरम हो, कंडीशनर हो, महंगे से महंगा लेते ताकि बस किसी तरीके से मेरा हेयर फॉल या जितनी हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सारी सॉल्व हो जाए। गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल एक्रोदेस साइड। आई होप कि आप सभी लोग मस्त हैं, खुश हैं, अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं। आज फिर से मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक ऐसे प्रोडक्ट को लेकर के जो मैंने काफ़ी टाइम तक जिसको यूज़ किया है। तो मुझे लगा क्यों ना आकांक्षा आप लोगों के साथ, मीन्स कि जो आपकी मेरी यूट्यूब फैमिली है उसके साथ भी मुझे ऑनेस्ट रिव्यू ज़रूर शेयर करना चाहिए कि मेरा इसके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा। मैं अपने वीडियो की शुरुआत करूँ उससे पहले मैं उन सभी का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने भी मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब करके रखा हुआ है। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ऐसे ही प्यार और सपोर्ट मुझे हमेशा करते रहेंगे ताकि मैं और आगे अच्छा कर सकूँ। दोस्तों मैं साथ में आप लोगों से ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट्स है या आप लोगों की कोई राय है या आप लोगों को मेरे वीडियो में कोई कमी नज़र आती है तो प्लीज़ कमेंट के जरिए ज़रूर शेयर करिएगा। मैं हर किसी का रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। बहुत ही रेयरली ऐसा होता है जिसका मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, तो उसमें मेरी फॉल्ट नहीं होती है, उसमें आप लोगों की सेटिंग में कोई प्रॉब्लम होती तभी मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। तो चलो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, और लेकिन हाँ जाते जाते मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगी, मत भूलिएगा कि मैं आप लोगों से नहीं कहूँगी, अगर आप लोग मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे जितने भी नए वीडियोस अपलोड होंगे आप लोगों तक नोटिफिकेशन बहुत ही ईजिली पहुँच जाएगा। सो चलते हैं वीडियो को शुरू करने। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों आज जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है हेयर से रिलेटेड। हालांकि काले लंबे घने बाल किसे नहीं चाहिए होते, हर किसी को चाहिए होते। और हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी हर किसी को होती है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है, हेयर ब्रेकेज की प्रॉब्लम होती है, स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम होती है, मतलब तमाम तरह की प्रॉब्लम होती है। तो हम क्या करते हैं, बदल बदल के महंगे से महंगा शैम्पू हो, सीरम हो, कंडिशनर हो, महंगे से महंगा लेते ताकि बस किसी तरीके से मेरा हेयर फॉल या जितनी हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सारी सॉल्व हो जाए, लेकिन बाद में क्या होता है, कुछ भी असर नहीं करता है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से कहूँगी कि किसी भी शैम्पू से या किसी भी कंडीशनर से कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। आपको बेनिफिट मिलेगा तब जब आप इंटरनल जब स्ट्रांग रहेंगे, इंटरनल जब आप अच्छी चीज़ें खाएंगे, अच्छे से अच्छा खाइए, अच्छी सोच रखिए, टेंशन फ्री रहिए, तो बेशक आपका जो है हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा। किसी भी शैम्पू से कोई हेयर फॉल कंट्रोल नहीं होता है, सबसे बड़ी बात। आपकी जब बॉडी अंदर से स्ट्रांग होती है तो हर चीज़ से, और जो हेयर फॉल का जो सबसे बड़ी जो रीज़न होता है, सबसे बड़ा हेयर फॉल का, वो होता है हमारा टेंशन। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा हेयर फॉल शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले एक स्ट्रेस से फ्री रहिए, और अगर आप लोग को स्ट्रेस होता है तो प्लीज़ कॉमेडी वीडियोस देखिए। टेंशन मत लो यार, टेंशन लेने से क्या होगा, टेंशन लोगे इससे आप ही का नुकसान है। जिस चीज़ के लिए टेंशन लोगे, देखो जो होना होता है वो होगा, हमेशा पॉजिटिव रहिए। ये सोचिए जो आपकी किस्मत में होगा वो आपको मिलेगा, अच्छा होगा तो अच्छा मिलेगा, बुरा होगा तो बुरा मिलेगा। हमेशा हर चीज़ से लड़ने की हिम्मत रखिए जो हर किसी के अंदर होनी चाहिए। तो चलो ज़्यादा फालतू बातें नहीं करते हैं, जिस बारे में हम बात करने आए उसके बारे में बात करते हैं। आज जिस मैं प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ वो वाओ स्किन साइंस का शैम्पू एप्पल साइडर विनेगर एंड देन ये कंडीशनर। मैंने इन दोनों को जो है यूज़ पिछले 6 महीनों से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, और मेरा इसके साथ जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी ये शैम्पू जो है वो किसके लिए ज़्यादा बेस्ट है, किस हेयर, मतलब कहते हैं ना कि किस किस स्कैल्प के लिए ज़्यादा अच्छा है, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आज आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा तभी आप लोगों को मेरा ये वीडियो समझ में आएगा। तो चलो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बार बार मैं यही बात बोल रही हूँ लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि हम बीच में बात करने लगते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक हम एक दूसरे को नहीं समझेंगे तब तक कैसे होगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं आप लोगों को बिल्कुल भी यूट्यूबर नहीं समझती, मैं बिल्कुल भी आप लोगों को सब्सक्राइबर नहीं समझती हूँ, मैं आप लोगों को अपनी फैमिली समझती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों से ही हूँ। कोई भी यूट्यूबर है, जो भी बड़ा यूट्यूबर है, छोटा यूट्यूबर कोई भी हो, वो सब आप लोगों की वजह से है। तो चलो शुरू करते हैं, मैं इसके बारे में आपको रिव्यू देती हूँ। सबसे पहले तो शैम्पू के बारे में, ये शैम्पू मेरा ये 4th बोतल है, मैंने इसे यूज़ किया है, और इसका जो रिव्यू है वो बेस्ट है।
मेरी तरफ से बेस्ट है रिव्यू, बाकी आप लोग देखिएगा कि आप लोगों के कैसे स्कैल्प है, कैसे हेयर है, हेयर का टेक्सचर कैसा है, ये आप लोग बताएंगे और उसी अकॉर्डिंग इसका मतलब डिसाइड करेंगे आपको इसे यूज़ करना है या नहीं करना है। तो चलो मैं आपको बता देती हूँ, ये वाओ स्किन साइंस का एप्पल साइडर विनेगर शैम्पू है जो कि नेचुरल इंग्रीडियंट से बना हुआ है। मोस्टली मैं जो भी चीज़ें यूज़ करती हूँ वो नेचुरल ही होती है, मैं बिल्कुल भी ये जो हार्म केमिकल वाली होती है मैं उसे यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि आपका थोड़े टाइम के तो हेयर फॉल कंट्रोल हो जाए लेकिन बाद में क्या होता है आपको आगे चल के फिर दिक्कत करता है। सो ये मैं आपको बता दूँ, इसमें नो पैराबेंस, नो सल्फेट, नो सिलिकॉन, कुछ भी नहीं है इसमें। ये तीनों ही चीज़ें जो हार्म वाली हैं ये बिल्कुल भी नहीं है इसमें। ये जो है ये है मेड विद नेचुरल प्योर ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर से बना हुआ है, हेल्थ इम्प्रूव, इसमें लिखा स्टोरिंग शाइनिंग स्मूथनेस, मीन्स ये कि आपके जो बाल हैं वो स्मूथ हो जाएंगे। लेकिन हाँ, इसमें ये मेंशन किया गया है सुटेबल फॉर नॉर्मल टू ऑयली हेयर टाइप्स, मीन्स ये जिसके नॉर्मल हैं ऑयली हैं उसके लिए बेस्ट है। हालांकि मैं आपको बता दूँ अपने बालों का जो टेक्सचर है मेरा वो थोड़ा सा ड्राई है, फ्रिजी हेयर है, लेकिन फिर भी मुझे ये सूट किया। इसको लगाने के बाद मेरे जो बालों में एक जो शाइनिंग प्रोवाइड करता है ये शैम्पू, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है, मैं बता नहीं सकती। और इसकी अगर हम पैकेजिंग के बारे में बात करें, पैकेजिंग इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत अच्छी इसकी, पंप थोड़ा सा दिक्कत करता है। इस बार का पहली बार कैसा हुआ कि जब मैं इसे यूज़ कर रही हूँ इसकी जो बॉटल का जो पंप है वो थोड़ा सा दिक्कत करता है इसका भी, एंड प्लस ये कंडीशनर का दोनों का ही पंप थोड़ा सा काम नहीं कर रहा सही से। मैंने इसे ऑनलाइन नाइका से परचेस किया था, मैं आप लोगों को यहाँ पे शेयर कर दूँगी इसकी पिक्चर। एंड अगर हम इसके प्राइस रेट के बारे में बात करें तो ये इसका जो प्राइस मुझे पड़ा था वो पड़ा था 375 का, लेकिन हाँ ये मुझे याद है कि मुझे डिस्काउंट पर थोड़ा सा मिला था, ये 375 का नहीं मिला था। और इसकी क्वांटिटी पे बात करें 250 ml की क्वांटिटी इसकी है, एंड इसकी अगर हम थोड़ा सा ये देखें फ्रेगनेंस के बारे में बात करें तो फ्रेगनेंस इसकी बहुत अच्छी है, तगड़ी है इसकी, लेकिन मैं फील नहीं कर पा रही हूँ। आई थिंक इसकी जो फ्रेगनेंस है ये थोड़ा थोड़ा सा ना एप्पल का, क्योंकि एप्पल साइड विनेगर है तो एप्पल का, एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी दोनों का मिक्स जो होता है उसकी फ्रेगनेंस की तगड़ी है, अच्छी है। एंड इसका जो टेक्सचर है वो ये हल्का सा ना क्रीमी शेड में है, मतलब ये कि हल्का सा आप कलर के बारे में अगर बात करें शैम्पू के कलर का, तो ये हल्का सा नहीं क्रीमी कलर होता है वो कलर के बारे में ऐसा है, और ये थोड़ा सा ऐसा लाइट, बिल्कुल लाइट है। एंड अगर हम वहीं इसके कंडीशनर के बारे में बात करें तो कंडीशनर है ये वाओ स्किन साइंस का कंडीशनर है, हेयर कंडीशनर है, एंड इसमें लिखा ऑर्गेनिक वर्जिन कोकोनट ऑयल प्लस एवोकाडो ऑयल मिला हुआ है, इसमें ये दोनों ऑयल मिले हुए हैं जो कि हमारी हेयर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। एज सेफ फॉर कलर ट्रीटेड हेयर, अगर आपने अपने बालों में कलर करवा के रखा है तो आपके लिए बेस्ट है, ये आपके कलर को सेफ करके रखता है। सुटेबल फॉर ऑल हेयर टाइप्स, मतलब ये हर किसी हेयर टाइप्स के लिए बेस्ट है, ऑयली हेयर हो, फ्रिजी हेयर हो, या फिर नॉर्मल हेयर हो, कोई भी हेयर हो आपके लिए बेस्ट है। एंड देन सेकेंड अगर हम इसके क्वांटिटी के बारे में बात करें, ये 300 ml का है, एंड इसमें भी पैराबेन, सिलिकॉन और मिनरल ऑयल्स नहीं है कुछ भी ऐसा भी। और इसके अगर हम प्राइस रेट के बारे में बात करें तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, 495 का है, मतलब 495 रुपये का है, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा डिस्काउंट मिला। मैं हमेशा चीज़ें ना हमेशा चीज़ें जो डिस्काउंट में लेती हूँ कि जहाँ मुझे ज़्यादा फ़ायदा होता है मैं ऐसी चीज़ें लेती हूँ, क्योंकि यार ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने का मन नहीं करता है इन सब चीज़ों, क्योंकि मैं अक्सर क्या होता है कि मैं हमेशा प्रोडक्ट चेंज करके लगाती, मैं कभी एक प्रोडक्ट पर नहीं टिकती हूँ। पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं शैम्पू पर इतना ज़्यादा टिकी रही, वरना मोस्टली क्या होता है कि मैं शैम्पू की एक बॉटल खत्म करती हूँ, दूसरी बॉटल खत्म करती हूँ, उसके बाद फिर मैं नहीं मंगवाती, लेकिन ये मेरी शायद चौथी बॉटल है कि मैंने इसे लगातार यूज़ किया, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था और इससे मेरा हेयर फॉल थोड़ा सा नहीं कह सकते 100 में नहीं, जैसे जब से आनी हुई उसके बाद से मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने लगा था, तो इसे यूज़ करने के बाद 100 में 30% मुझे हेयर फॉल में थोड़ा सा आराम मिला। मैं आपको बता दूं जब अनी नहीं हुई तो उसके पहले तो मुझे इसे बहुत ज़्यादा आराम मिल रहा था, बिल्कुल भी हेयर फॉल नहीं हो रहा था, लेकिन हाँ उसके बाद थोड़ा सा डिलीवरी आफ्टर डिलीवरी के बाद मुझे हेयर फॉल शुरू हो गया था काफ़ी लंबा वाला। तो अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आपका हेयर फॉल हो रहा है आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आपका हेयर फॉल देखिए फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड वॉश में तो नहीं कंट्रोल होगा, एंड फोर्थ वॉश आप जब भी करेंगे तो आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा। इसका छोटा पैक नहीं आता है, वरना मैं आपसे कहती हूँ कि आप छोटा सा पैक लेकर के आप टेस्ट कर सकते हैं, नहीं। लेकिन मेरा जो मैं आपके हेयर का टेक्सचर बता देती हूँ, अगर आपके भी ऐसे हैं तो आपको हेल्प मिलेगी। अगर आपके हेयर जो है फ्रिजी हैं, ड्राई हैं,
तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और स्प्लिट एंड्स की जब आप लोगों को प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले क्या होता है, आप लोगों को ट्रिमिंग करवाना चाहिए। जब आप ट्रिमिंग करवाते हो तो आपके स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम दूर होती है। दूसरा, अगर आपके ना आप ऑयलिंग बहुत ज़्यादा करिए, जितना ज़्यादा हो सके आप ऑयलिंग करिए। मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था, फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि कभी भी किसी भी शैम्पू से जो है आपका हेयर फॉल नहीं कंट्रोल होता। ऑयल अगर आपके बालों में स्कैल्प में अच्छे से लगेगा तो वो आपकी रूट्स तक जाएगा, जिससे आपका जो हेयर फॉल है वो कंट्रोल होगा। एंड सेकंड, अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो आप इसे एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से यही कहूँगी, टेंशन फ्री रहिए, स्ट्रेस बिल्कुल भी मत दीजिए, हमेशा पॉजिटिव रखिए, अच्छी सोच रखिए सबके लिए, और अच्छा खाना खाइए और पानी खूब सारा पीजिए। पानी आप दिन में कम से कम 10 से 12 ग्लास ज़रूर पीजिए। ये सारी चीज़ें आपकी हेयर को जो है हेल्दी बनाता है। शैम्पू कंडीशनर आपका कोई वर्क नहीं करता, वो तो ऊपर ऊपर काम करते हैं। जो रूट्स में आपका काम करता है वो है आपका जो अच्छी सी ऑयलिंग हेड मसाज। आप ज़रूर करिए, वीक में एटलीस्ट 2 बार मसाज स्कैल्प की ज़रूर करिए। अब बहुत सारे मेरे जो व्यूवर्स होंगे वो ऐसे भी होंगे जो कहते हैं मुझे तो ऑयलिंग करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, या मैं डेली वर्किंग मतलब ऑफिस जाती हूँ या जाता हूँ जो भी, मैं कैसे करूँ। नहीं भाई, आपको ज़्यादा देर ऑयल लगा के, और दूसरा मैं आपको बता दूं कि ऑयल लगा के आपको कभी भी बाहर नहीं जाना है। जब भी आप ऑयलिंग करिए, रात में ऑयलिंग करिए, आप दूसरे दिन हेड वॉश कर लीजिए, मतलब रात में करिए, अर्ली मॉर्निंग आप हेड वॉश कर लीजिए। एंड अगर आपको जाना है कि आप भूल गए रात में लगाना, तो आप अपने बालों में सिर्फ 2 घंटे या 1 घंटे ऑयल भी रख सकते हैं, वो भी इनफ है। तो हेयर फॉल आपको अगर ज़्यादा हो तो कोई भी शैम्पू कंट्रोल नहीं करता, लेकिन हाँ, ये शैम्पू अगर आपके फ्रिजी हेयर हैं, आपके हेयर जो हैं बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आपकी स्कैल्प, आपकी हेयर जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगे और बहुत शाइनिंग प्रोवाइड करता है ये शैम्पू मेरी तरफ से। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है 6 महीने का। सो आज का जो मेरा रिव्यू था वो इसी प्रोडक्ट के ऊपर था। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बाकी वो आपके ऊपर है कि आप इसे ट्राई करते हैं कि नहीं करते हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों के मन में डाउट्स होता है कि हम जब इन्वेस्ट कर रहे हैं शैम्पू खरीदने में, कि पता नहीं मुझे शैम्पू ये सूट करेगा कि नहीं करेगा, इसीलिए मुझे लगा कि आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करना चाहिए भाई, कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है कि कहाँ नहीं करना है, ये मुझे आप लोगों को ज़रूर बताना चाहिए। सो चलते हैं, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक जो रहेगा वो आप लोगों को अगले वीडियो में पता चलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल।